नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। फाउंडेशन एवं सारेगामा ग्रुप द्वारा स्थानीय श्री संत रविदास भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन की। मौका दीजिए अपने खून को, किसी के रगों में बहने का ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। आज 3 सितंबर रविवार को हेला मुस्लिम जमात अंजद और अल शिफा ब्लड फाउंडेशन अंजद के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी से जिंदगी और मौत से जूझते हजारों लोगों के लिए एक नवजीवन बनकर आम जनों ने अपने रक्त का दान कर इन मायूस चेहरों पर खुशियां लाने का एक सराहनीय प्रयास किया। इस रक्तदान शिविर में आज 51 यूनिट का रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में जिले की रक्तदान समितियों का सम्मान कर सम्मान पत्र के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम हेला जमात के सदर और मेंबर एवं समाज जन सर्व प्रथम अमजद भाई सारेगामा, फिरोज पहलवान, हनीफ भाई पटेल, मुबारक पटेल, मुस्तकीम पटेल और नगर के मुस्लिम समाज के सदर अफजल मंसूरी, सारेगामा ग्रुप के अध्यक्ष हाजी इनायतुल्लाह अंजर, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सूरजमल पिपलिया बड़वानी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मुचकीर खान बड़वानी से सादिक चंदेरी, अनिल जोशी, APJ अब्दुल कलाम, रक्तदान समिति की ओर से अबरार बोहरा समाज के सदर जोएब भाई और अंजद नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। बात करते हैं अंजर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर JP पंडित साहब से। सर, हमारे क्षेत्र के अंदर सिकल सेल के मरीज कितने पाए जाते हैं? दो तीन साल से हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अंजर क्षेत्र के, करीब 200 से ज़्यादा तो सिकल सेल के हमारे पास रिकॉर्डेड
और पूरा बड़वानी जिला लगभग सिकल सेल से प्रभावित है, जहाँ पर सिकल सेल का प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंस भी ज़्यादा है। उसके अनुसार सिकल सेल जो किसी से सिकल सेल ट्रेट है उनको समय समय पर ड्रग की आवश्यकता होती है। साथ ही हमारे ज़िले में केवल एक ही ब्लड बैंक है जो जिला अस्पताल में है, और वहाँ पर लगातार ब्लड सप्लाई की जरूरत है। एक्सीडेंटल केस भी आते हैं और पास में धार जिले का भी काफ़ी कवरेज होता है। लगातार ब्लड की आवश्यकता, जिसके निरंतर इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगाने से हम मरीजों की जान बचा सकते हैं। सर, अभी जैसे हमारे बड़वानी ज़िले के अंदर APJ अब्दुल कलाम रक्तदान समिति एक्टिव रहती है, और आज अंजड़ नगर में मुस्लिम महिला समाज द्वारा अल शिफा फाउंडेशन के बैनर तले इस शिविर का आयोजन किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही सराहनीय और एक इंसानियत का जो कार्य किया गया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रदर्शन करता हूँ। ये इसी तरह के कार्य निरंतर जारी रखें और बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं अंजड़ मुस्लिम समाज के सदर अफजल मंसूरी जी से। सर, आज मुस्लिम महिला समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, आप क्या संदेश देंगे? हजरत इमाम हुसैन की याद में जो रक्तदान शिविर का आयोजन मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया है, इसमें हेला जमात ने बढ़ चढ़ कर इसके कार्यक्रम को सफल बनाने की जो कोशिश करी है, उसमें मुस्लिम समाज की तरफ से हेला जमात को और जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन रक्तदान किया उन सभी का मैं अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में शरीक होकर उन्होंने रक्तदान दिया है, ब्लड डोनेशन किया है, जो कि ये सभी को लगता है ब्लड की ज़रूरत हर समाज के लोगों को जो होती है, उसके अंदर मुस्लिम समाज ने भी ये कोशिश की है, पहल की है कि क्यों ना हम भी ये काम करें, और उन्होंने इस कार्यक्रम को करके हमारे मुस्लिम समाज द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, इसमें अन्य धर्म के लोगों ने भी ब्लड दान किया है? सभी सर्व धर्म के लोगों ने इसमें ब्लड डोनेशन किया है और सहयोग दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम समाज की ओर से। क्या किया आज आपने? ब्लड डोनेट किया है। कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? हेला मुस्लिम समाज। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।